हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं। पूजा वूजा सब ख़त्म हो गई है और बच्चों के लिए दूध कर दिया है मैंने। तो अभी बैठ के मैं अपनी ले रही हूँ टी। देखिए, ये मेरी टी है। सुबह सुबह बहुत तेज़ गर्म होती है ये तो। और उसके साथ मैं लेती हूँ ये एक फाइबर टैबलेट, हर्बल लाइफ फाइबर टैबलेट और टी। ये सुबह मेरा दूध वाली चाय की जगह ये वाली टी मैं लेती हूँ। दूध वाली चाय मैंने बिल्कुल बंद की हुई है। कभी मन करता है, जैसे ठंड है, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी ठंड है और मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म हो जाए, तो फिर मैं कॉफ़ी लेती हूँ। और कॉफ़ी में भी शुगर फ्री डाल के लेती हूँ। चीनी बिल्कुल अवॉइड करना है, चीनी नहीं खाना है। तो चीनी बिल्कुल बंद की हुई है और शुगर फ्री डाल के कॉफ़ी लेती हूँ। पहले मैं ब्राउन शुगर भी डाल लेती थी, लेकिन ब्राउन शुगर भी उन लोगों ने मना किया कि ब्राउन शुगर भी आपने नहीं लेनी है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि शुगर फ्री 2 टैबलेट डालती हूँ, 2 या 3, और 1 कप कॉफ़ी में। और 1 या 2 टाइम कॉफ़ी लेती हूँ। कभी कभी अगर ज़्यादा ही ठंड है, ज़्यादा मन हो रहा है, या कहीं जा रहे हैं किसी के यहाँ, तो 2 टाइम हो जाती है, नहीं तो 1 ही टाइम कॉफ़ी लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज मैं आपको अपना पूरा डिटेल से, ये पूरा शेड्यूल जो है मेरा, ये बताऊँगी। अभी मॉर्निंग में ये टी और इसका बनाने का मेथड भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जल्दी ही। लेकिन अभी मैं इसको आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये टी लेनी है गरम, तेज़ गरम पानी में, और 2 चम्मच, उसके साथ चम्मच आती है, और ये 1 फाइबर। तो उसके बाद फिर अभी जब मैं शेक लूँगी तो शेक भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में।
ये देखिए सुखा दिए मेरे भगवान जी के कपड़े, आज धुल के, आज अपने नहीं धुले तो आज भगवान जी के धुल दिए। आज एक फ़ायदा और हुआ, तार बारिश में साफ़ हो गया था, चिमटियाँ भी साफ़ हो गई थी, तो ये देखिए साफ़ सुथरे तार और साफ़ सुथरी चिमटियाँ मैंने लगा दी हैं भगवान जी के कपड़ों पे। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए धुले नहीं थे, मंदिर भी बीच में रह गया था, तो इस वजह से अब धुले हैं मैंने कपड़े। तो आज शाम को या कल मंदिर साफ़ करूँगी मैं, तब आपको दिखाऊँगी, मंदिर साफ़ करके तब इनको लगाऊँगी मैं। ये मंदिर के कपड़े हैं और ये कान्हा जी के, बाबा के, साईं बाबा के और कान्हा जी के, तो ये कपड़े धुल दिए हैं। मौसम तो ख़राब ही है, धूप तो है नहीं, लेकिन हाँ बारिश रुक गई है तो सूख ही जाएंगे शाम तक। इनको मशीन में तो हम ड्राई नहीं कर सकते, ये भगवान जी के कपड़े हैं, तो इसीलिए ऐसे ही धुले मैंने हाथ से और ऐसे ही टांग दिए, शाम तक सूख ही जाएंगे, बस बारिश ना आए। इस बादल देखिएगा कितने बादल हो रहे हैं, बादल बहुत हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, अब मैं पीऊँगी शेक, शेक बनाऊँगी अपना और शेक पियेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। 9:30 का 9:30 हो गए हैं, 9:30 10 बजने वाले हैं और मैंने टी पी थी 8 बजे, तो इतना गैप रखना पड़ता है। तो 8 बजे के बाद अब मैं 10 बजे शेक पीऊँगी। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, शेक पूरा ब्रेकफास्ट का काम करता है, भूख नहीं लगती इसको पीने से बिल्कुल भी। और यकीन मानिए, मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप में ही हल्का हल्का फील होता है। अभी जैसे पहले एसिडिटी रहती थी और पेट भरा भरा रहता था, कब्ज रहती थी, वो सब शिकायतें जो हैं मेरी सब दूर हो गई हैं और बहुत अच्छा लगा है मुझे हर्बल लाइफ। तो दिखाते हैं आपको शेक अभी, तो चलिए मिलते हैं नीचे शेक बनाते हुए, नहीं शेक पीते हुए। बनाने की तो मैं बाद में आप सबको बताऊंगी, अभी पहले ऐसे ही आप सबको बता देती हूँ। तो अभी शेक पीऊँगी, बैठ जाती हूँ। फोल्डिंग नहीं भीगा हमारा, फोल्डिंग ऐसे ही है। तो अभी शेक पीऊँगी 10 बजे और उसके बाद फिर अगर भूख लगती है, वैसे मुझे नहीं लगती भूख, अगर भूख लगती है तो आप फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट में आप क्या खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं और ऑरेंज खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं फ्रूट्स में, जैसे चीकू और आपका केला और ग्रीन वाले अंगूर, ये सब अवॉइड करना होता है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। बाकी सैलेड भी ले सकते हैं आप, और खाने से पहले जितना भी आप पेट भर सकते हैं ना, तो वो सैलेड से भरिए। तो सैलेड से पेट भरने के बाद आपको फिर उतनी भूख भी नहीं लगेगी और उतना खाया भी नहीं जाएगा, तो आपका सही रहेगा। तो सैलेड मेरे को कम पसंद है इसलिए मैं सैलेड नहीं लेती, एक दो चीज़ें हैं खा लेती हूँ, फ्रूट्स मन करता है तो फ्रूट्स ले लेती हूँ, तो वो नहीं लेती। तो अभी फिर 2 बजे मैं 2:30 के करीब खाना खाती हूँ। खाने में दाल रोटी सब्जी जो भी है, सब्जी में हमें आलू नहीं खाना है और क्या नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं हमें, और तला भुना नहीं खाना है, तला भुना अवॉइड करना है। मेरे को यकीन नहीं आता, मैं इतना तला भुना खाती थी, इतनी चाय पीती थी, अभी मैं चाय भी बिल्कुल नहीं पी रही हूँ और तला भुना भी बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। डेली मुझे दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मेरे को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, मोमो चाउमीन नहीं मैं खाती, मोमो स्प्रिंग रोल और चाट। तो ये तलब लगती थी कि चलो आज कुछ अलग सा कुछ खा लिया जाए, लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ। अभी तो मैंने 3 महीने से कुछ नहीं खाया है, कभी कहीं शादी वगैरह में, जैसे अभी बीच में मैं गई थी, शादी में गई थी, बहन के यहाँ गई थी, तो जो भी लिया है वो थोड़ा बहुत लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, और इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया वेट लॉस होना ना, क्योंकि बीच में परहेज आपका एक तरह से टूट ही गया। तो अभी 2:30 बजे फिर खाना बनाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ, दही आप ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं,
और हाँ ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं जैसे खाना खाने के बाद 4 बजे, 4 साढ़े 4 के करीब कॉफ़ी ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं फिर से, वैसे तो 11 बजे मुझे बीच में टी लेनी होती है, लेकिन मैं नहीं लेती, मेरा बन ही नहीं पाता टी लेने का 11 बजे, क्योंकि मेरा 10 बजे तो मेरा शेक ही होता है। उसके बाद फिर क्या पूरा दिन मैं खाते पीते रहूँगी तो नहीं बन पाता मेरा। तो मैं फिर लेती हूँ अपनी टी 5 बजे, 5 या 6 बजे। उस बीच एक्सरसाइज भी करती हूँ। एक्सरसाइज अभी छुट्टी हुई है ठंड की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं एक्सरसाइज में नहीं जा रही हूँ। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि अभी मैंने टारगेट रखा है कि मेरे को 5 फेब तक अपना कम से कम 6 kg लूज़ करना है, तो ये मैंने टारगेट रखा है। आप पानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है कि पानी जितना आप पियेंगे, क्योंकि अभी हमें ना स्वेटिंग नहीं हो पा रही है, स्वेटिंग सर्दियों में नहीं होती, तो किसके ज़रिए निकलेगा फैट? फैट फिर यूरिन के ज़रिए ही निकलेगा। तो जितना आप पानी पियेंगे उतना यूरिन आएगा, उसी हिसाब से फिर आपका वेट लूज़ भी होगा। तो अभी मैं मतलब टी फिर मैं 5 या 6 बजे लेती हूँ, और अभी एक्सरसाइज भी शुरू करने वाली हूँ, छुट्टी हुई है मेरी बीच में। तो उसके बाद फिर रात को फिर से मैं लगभग 9:30 के करीब शेक लेती हूँ। रात में भी मुझे कुछ खाना नहीं होता है, रात को खाना नहीं खाऊंगी और शेक लेना होता है बस। तो रात को भी शेक लिया जाता है 9:30 बजे के। अभी मैं आपको शेक दिखाऊंगी। शेक बनाना कैसे होता है, एक गिलास दूध लेती हूँ और उसमें 1 गिलास पानी, और बाकी वो शेक उसमें ऐड करना होता है। तो अभी चलते हैं नीचे, बनाते हैं शेक और पीती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो चलिए मिलते हैं नीचे। तो ये देखिए, ये है मेरा शेक, ये 1 गिलास दूध और 1 गिलास ये पानी, ये ही गिलास मैंने रखा हुआ है नाप के लिए। और फ्लेवर आते हैं इसमें भी कई सारे, चॉकलेट है, कुल्फ़ी है, मैंगो है, कई सारे फ्लेवर आते हैं। तो मेरे को तो कुल्फ़ी बेस्ट है इसमें, मेरे को जो अच्छा लगा सबसे वो कुल्फ़ी है। कुछ लोगों को चॉकलेट भी पसंद आता है, लेकिन मुझे कुल्फ़ी पसंद आया है। तो ये मेरा शेक है, ये मेरा, ये ब्रेकफास्ट हो गया, कंप्लीट ब्रेकफास्ट। इसमें कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 गिलास हो जाते हैं ये, एक पानी और एक मिल्क। तो चलिए पी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये दूसरा चैलेंज है जो मेरा और मम्मी का होगा। इस ये है ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, मतलब कुछ भी होता है हमें हंसना नहीं है, यहाँ पे वीडियो चलेगी नहीं जो कि है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हम दोनों इम्पॉसिबल है। हंसे बिना रह ही नहीं सकते हम दोनों, तभी ये चैलेंज रखा कि मतलब। और हाँ, स्माइल कर सकते हैं, दांत नहीं दिखाने अपने हंसे, लाइक पर ये नहीं ई करना नहीं है। करना है, जो अभी भी मैं कर ही रही हूँ। तो अभी चैलेंज शुरू नहीं हुआ, नीचे वीडियो चलेगी, हम वहाँ पे देखेंगे। और इसको मैं जूम कर देती हूँ, और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो 1 2 3
अच्छा था। और करो Guys, you'll never believe. I just seen somebody fall and eat shit in that concrete. दांत तो दिखे, दांत दिखे मतलब बोलते हुए सभी के दिखते। नहीं बोलते हुए तो दिख रहे थे वो चिटिंग, चिटिंग मत करो, दांत दिखे तुम्हारे। बोलते और तुम हंस भी रही थी, तुमने हंस भी रही थी। मैंने बोला था ओह शिट, उसको लगा वो गिर गया, वो बेचारा वो बहुत हंस रहे हैं। ओह शिट, नो नो नो, पैन टूटा। ये क्या हो रहा है? गिरी मम्मी लगी होगी बहुत तेज, बहुत चोट लगी होगी, बहुत चोट लगी होगी। वैसे मेरे को ना इस टाइप के उस पे हंसी नहीं आती ये क्या था, क्या था ये कुछ पूल बना रखा था वो फट गया और वो निकल गया, पानी निकल गया सारा। Here we go. कार टूटी लंबी नहीं हो जाएगी। गया गया गया, ये क्या था? ओह शिट, ओह शिट, लगी बेटे पड़ी पड़ी। Are you okay, honey? उसे अच्छा तरीका है बात करो, अच्छी तरीके से बात करो। ये बहुत क्यूट है, कॉफी ले रही है क्योंकि आज ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही बाहर, बहुत तेज बारिश है। उसने अभी पता क्या किया, चीज ले रहा है। हंसी नहीं मैं, मतलब मेरे दांत नहीं दिखे यहाँ पे वो होते ना बहुत अच्छी। कौन सी वाली क्वार्टर्स में ये हुआ तो ये गिर जाए तो बहुत अच्छी। अभी आईब्रो साफ हो जानी है। नहीं नो नो, ये प्रैंक है। Mom. Tell them what you just did. I was trying on dresses and I hung mine up with them and then I can't find them. Now we must look through all these glasses for her. तू ऐसे क्यों देख रही है बच्ची? तू रोने वाली है क्या? मैं बच्ची रोने वाली है? नहीं मैं हंसने वाली हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं हंसू नहीं, मैं हंसू नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ।
गया पानी में, खराब हो गया, बहन जी गई। ये 7 मिनट का चैलेंज था और बहुत फनी था, मतलब अभी हमारे लिए फनी था, आपको शायद नहीं नजर आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। वैसे वो मैं साइड में डालूंगी ये वीडियोस, तो वो तो नहीं आएंगे कॉपीराइट। तो ये हमारा आज का चैलेंज है, चैलेंज था जिसमें मैं जीत गई, मम्मी बेटी। अब आप मेरे को क्या दोगे? कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ मिलना चाहिए ना। क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती और कभी मैं मतलब खत्म तो होती ही नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ किसी के लिए लेने जाते हैं, शॉपिंग किसी के लिए करने जाते हैं और आ जाता है मेरा, आता इसका है। किसी जिसके लिए गए हैं शॉपिंग करने, उसका कुछ आए ना आए, मेरा जरूर आता है, इसका जरूर आता है, हमेशा घर पे बैठे बैठे भी आ जाता है हमेशा से, चाहे साथ में है या नहीं है। पहले मैं नहीं बोलती थी मेरे लिए कुछ लाओ, आप ही लाते थे। ऐसा हो जाता था कि किसी के लिए कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, श्रेया का जरूर आता था क्योंकि कुछ भी पसंद आ जाता था। मेरी बिटिया रानी तो होता है। क्या दोगे अब? टॉपिक चेंज कर दिया था क्या? हम टिंगा मेरे भी टीली लीली, मेरे भी तो ए टीली लीली। अब हंस सकते हैं, तो हंसे बिना मेरा काम नहीं चलता, मैं छोटी छोटी बातों पे हंस जाती हूँ। झूठ है, मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ, मैं हंसती हूँ। वैसे ये चैलेंज है ना हंसने का, हम हंसे जा रहे हैं। वैसे तूने नोटिस नहीं किया, मैं दो बार हंसी हूँ। मैं दो बार पहले भी हंसी हूँ, थोड़ी थोड़ी सी, तूने नोटिस नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ी ना यहाँ देख रही थी, यहाँ देखना था। नहीं मैं वहाँ भी देख रही थी, मैं यहाँ भी देख रही थी। चलो सुपरवाइजर, ठीक है, ये था आज का हमारा चैलेंज जिसमें ये मैडम जीती हैं। और अब मेरे को ना लगने वाली है पत्ती। क्या दोगे? कुछ भी अपनी पसंद से, जो कि तेरी डिमांड पूरी नहीं। ड्रेस, ड्रेस, चलो अच्छी सी ड्रेस, ठीक है, ओके, इसकी ड्रेस देखते आते। और अगर मैं जीतती तो मुझे क्या मिलता? आपको, आपको मैं कुछ ना कुछ देती। क्या देती? नहीं मैं दे सकती थी, पापा से पैसे मांग के। पापा दे देते। चलो ठीक है, तो फिर आज का ये चैलेंज था हमारा, ये जीती है मैडम, इनको एक ड्रेस चाहिए, तो अब हम इनके लिए ड्रेस लेके आएंगे और जब वो ड्रेस लेके आएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। मैं पहन पहन के ऑनलाइन मंगवाऊंगी। मैंने सेलेक्ट कर रखी है विश पे, कितनी तेज है विश पे सेलेक्ट कर रखी है, तमीज है, पहले ही इसने सोचा हुआ है और इसीलिए इसने ये चैलेंज भी रखा है। इसने पहले से सोच के प्री प्लानिंग, या मतलब मुर्गा हलाल करने के लिए प्री प्लान किया गया था ये, प्लानिंग के साथ मेरे साथ प्लानिंग के साथ हुआ है जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, और बहुत बुरा हुआ है। चलो ठीक है, मैंने ये प्लान नहीं कर रहा था वैसे, मैं सिर्फ अभी जब क्लास चल रही थी मैंने सोचा था कि चैलेंज करेंगे, और तभी मैंने मम्मी को बोला था चैलेंज करता है चलो आज, और फिर अभी मैं जीत गई। मैंने एकदम से पूछा, ये प्री प्लान नहीं था, मेरा मन कर रहा है अभी कुछ ना कुछ ड्रेस लेने का। वैसे मैं अपने बर्थडे के टाइम पे लूँगी, अभी नहीं लूँगी। चलो फिर ये नहीं, अभी तो डेली डेली यहाँ से शिफ्ट हो जाता है बर्थडे। ना 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 ना, उस टाइम तक दो और चैलेंज आएंगे। चलो ठीक है, शिरडी जाने के लिए दे देंगे ना, अभी हम लोग हमारा टिकट कंफर्म हो चुका है शिरडी, और वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं रहती तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। यहाँ से जाएंगे
तीन तारीख में जाएंगे, 3 फरवरी, और वहाँ पहुँचेंगे 4 में, और हम हमारा वापसी का है फिर 5 में। तो बाबा ने बड़ा मुश्किल से हमें बुलाया है। या तो हम हर साल जाते थे बाबा के दरबार में, इस आपको बार भी दर्शन होंगे, इस बार 2-3 साल बाद हम जा रहे हैं, तो मेरे को तो साल हो गए। आप लोग भी हमारे साथ शिरडी घूमेंगे विद इन 1 month, 1 month से कम ही है, क्योंकि आज 1-2 दिन ही तो कम है, क्योंकि आज क्या डेट है, 5 है। हाँ तो चलिए फिर मिलते हैं आपको।